हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंडे। गाइज, आज हम लोग फिर से एक हॉन्टेड वीडियो लेके आए हैं, जिसको देख के यार सच में तुम लोगों की रात की नींद गायब होने वाली है। आई एम श्योर यार, मजा आने वाली है। तो भैया दिल थाम के बैठ जाओ आज की वीडियो देखने के लिए। और उसके पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फ्लाइंग मंडे और हेमंत से। हम लोग वहाँ भी मौजूद हैं और हम लोगों की जो भी लेटेस्ट खबरें हैं, जो भी लेटेस्ट फोटोज हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। और स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो शेयर जरूर करना। और तुम लोगों को एक मेन बात बता दूं, जो लास्ट वाली वीडियो थी ना, उसमें यार मैंने और इन्होंने तो बाद में देखा, तुम लोगों ने पहले बताया कि हम लोगों के पीछे से कोई चीज उड़ के गई है। डेफिनेटली वो चीज गई है। तो शुरुआत उसी क्लिप से कर दें। कर दिया जाए उसी क्लिप से। यार मैं और हेमंत, तुम लोगों को पता है हम लोग कितने गरीब है, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती हम लोगों की चीजों में, इसीलिए हम लोगों की वीडियो भी जल्दी नहीं आती, क्योंकि हम लोग फेक चीजें ना पसंद करते हैं दिखाना और ना ही बनाना पसंद करते हैं। तो हम दोनों लोग इसी हॉन्टेड टेरिस पे बना रहे थे, कुछ शूट कर रहे थे हॉन्टेड सा। और तुम लोगों ने अगर मेरी 24 आवर्स इन हॉन्टेड टेरिस नहीं देखी तो देख लेना, लिंक हेमंत डाल देना, उसमें भी कुछ ऐसा भूतिया सा हुआ था। तो उस वीडियो में मुझको क्या लगता है कि हम दोनों के बीच में कैमरा अलग से फोकस होता है। बेसिक जानते हो ना, जब हम लोगों फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं तो तुम लोगों का फेस डिटेक्ट कर लेता है, तो कैमरे ने ना उस दिन बीच में, हम दोनों के बीच में एक फेस डिटेक्ट किया, जिसको बाद में जब हम लोगों ने देखा तो कोई आंख से दिख रही थी। और कुछ लोगों ने ये भी बताया, मतलब हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों से पीछे से कोई उड़ती हुई चीज गई थी। और हम नहीं छत पे, मैंने इसीलिए बंद कर दिया था। मैं और हेमंत यहाँ पे है, फोन से खींचो फोन। तो यार कमेंट में बताया तो हम लोगों ने फिर से देखा वीडियो, तब पता चला बहुत ज्यादा डरावनी है। और सेम यही चीज मेरे ख्याल से भानगढ़ वाली जो वीडियो बनाई थी क्रेजी XYZ में, उनके भी कैमरे में हुआ था। एक जगह उनके भी कैमरे में नहीं, कुछ लाइट आई थी, लाइट सी आई थी, जबकि एकदम अंधेरा था। और वही चीज हम लोगों के साथ भी यहाँ पे हुई है। तो मेरे ख्याल से क्रीपी है। तुम लोग क्या कहते हो, अपने व्यूज बताओ यार कमेंट में, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो यार। तुम लोग क्या सोच रहे हो यार, इन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पता नहीं इस तरह की अजीबो गरीब चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, तो देख के तो वाकई में डर लगता है सच में। सो नेक्स्ट ये है, बहुत ज्यादा डरावनी है, तुम लोगों के होश उड़ने वाले हैं। ये भाई साहब है चुंग चांग चुंग टाइप के, है ना, चाइनीज भाई साहब है, कुछ खा रहे हैं। वैसे भी हम लोग जानते हो चाइनीज लोग कितना फूडी टाइप के होते हैं ना, तो ये लोग कुछ खा रहे हैं। और यकीन मानो, पता है ये इन्होंने जब खाया, वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब इनको कुछ भी नहीं पता था। उस वीडियो को इन्होंने जब 10 साल के बाद देखा तब इनको अपने पीछे कुछ अजीब दिखा। सोचो 10 साल के बाद, जैसे हम लोग अपनी कोई हेमंत क्लिप को SD कार्ड नहीं चलते, मेमोरी कार्ड निकाल के कोई डाले फोन में और हम लोगों के पीछे कुछ अजीब सा दिखे, पता है क्या दिखता है, देखो यार इनके पीछे से ना कोई दरवाजे से इनको कोई खाते हुए झांक रहा है और वो बहुत अजीब सा लग रहा है। और ये चीज इन्होंने अपने अकाउंट में शेयर किया, यूजर से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है। 10 साल के बाद इनको पता चला कि इनका जो घर है वो हॉन्टेड था। अच्छा यार, अब उन्हें पता चला कि अब तो ना वो डर लग रहा होगा, अगर हो सकता है उन्होंने घर चेंज कर दिया, जापानी ये चाइनीज ये जो भी है, लकड़ी घर होते ज्यादातर। सो गाइस, नेक्स्ट क्लिप में होता ये है कि कुछ लोगों को एक हॉन्टेड विलेज के बारे में पता चलता है, और ये फॉरेनर्स लोग रहते हैं और इन लोगों को, मतलब कि टीनेज रहते हैं, तो इनको लगता है कि यार जैसे हमको हेमंत को भी लगता है चलो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हॉन्टेड है। ये सारे भी फ्रेंड्स चल देते हैं और वहाँ पे रात में घूमने के दौरान इनको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर ऐसा तुम लोग सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। ये क्या यार, पहले शुरुआत में इनको लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन उनमें से एक ने क्या किया, एक औरत उसके सामने आती है कैमरे में और वो गायब हो जाती है। तो बाकी के जन उसका बिलीव नहीं करते हैं।
यानी सामने आती है औरत कैमरे के सामने एकदम से गायब। फिर वो देखता है यार आई तो है कैमरे में, फिर बाकी लोगों को बुलाती तो फिर पता क्या होता, बाकियों के सामने भी आने लगते हैं वो लोग, वहाँ से भागते हैं और औरत उनके आगे आ जाती है। Não estou a gozar, meu. Qual é o interesse? A sério, estava aqui qualquer coisa. Está bem, então. Vá. Deve ter sido um pirilampo. Estamos na zona. É, um pirilampo com um metro e tal. Olha, é assim. Foda-se. Estou parvo eu aqui. Foda-se. O que é aquela merda, meu? Foda-se. Esta mulher está grata, 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 grata. Xana, Xana, venham cá depressa, venham cá depressa. Está aqui, venham cá, está aqui, está aqui. Foda-se, já não está, já não está, está aqui. Foda-se. Caralho, meu, que esta merda! Eles estão contra mim! उसके बाद उनमें से एक को एक अलग हो जाता है और वो भूत उसको पकड़ लेता है। उसके साथ क्या हुआ होगा कमेंट में बताओ, बताओ कमेंट में, भर दो कमेंट सेक्शन। ले गया होगा, किस जगह ले गया होगा, पता नहीं, खा गया होगा नोच के, पार्टी होगी आज रात में। गाइस नेक्स्ट वीडियो ना तो एकदम ऊपर वाले लेवल की, यार ये वाकई बहुत ज्यादा, मतलब कि देख लोगे ना सच में सुसु पॉटी सब निकल जाएगा। सबसे डरावनी वीडियो है, मैंने अभी तक की लाइफ में सबसे डरावनी वीडियो मैंने भी नहीं देखी, नहीं देखी ना कभी, डरावनी जो अब आने वाली है आप लोगों के सामने। होता यह है कि एक जन होती है वो कहीं पे जाती है, शायद ऑडिटोरियम टाइप का या सिनेमा घर टाइप का, वो क्या उसे बोलते हैं, हॉल टाइप का रहता है इसी टाइप का, वहां से होते हुए जाती हैं। इसके बाद उनको स्टेयर्स मिलती हैं और ट्विस्ट वहीं पे आता है, स्टेयर्स पे कोई चल रहा होता है लेकिन मालूम है उसके सिर्फ पैर होते हैं भाई। भाई साहब उसके कमर से ऊपर का गायब धड़ होता है, वो गायब होता है, है ही नहीं सोचो, उसका सर, ये हैंड, पेट में जहाँ खाना खाते हैं ना हम लोग, वो सब गायब, केवल नीचे किसके आप बोलते हैं, केवल पैर वाला हिस्सा होता है, सिर्फ पैर जैसे हैं उसके, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। देखो कितना डरावना लग रहा है यार, देख के मुझे तो घबराहट होने लगी, अगर रात में ये क्लिप याद भी आ गई ना मुझे, मैं तो सुसु नहीं जाऊंगी भाई साहब, मैं निकलने वाली नहीं हूँ आज कमरे से, भाग गया वो। और ध्यान देना मेरे पीछे आज तो कोई नहीं है, और देखो आज हेमंत नहीं, फेस डिटेक्ट हो रहा ना बीच में, जबकि फोन तो वही है, हम दोनों भी वही है, टाइम भी लगभग वही है, आज कोई फेस नहीं डिटेक्ट हो रहा है, हम ही दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर बन रहा है, बताओ कोई भी नहीं हो रहा कहीं और, और देखो कोई लाइट वगैरह भी कुछ नहीं दिख रही है, और जो अजीब सी आवाज आ रही थी उस दिन वो हम लोगों ने बताया नहीं था, वो भी नहीं है, वो तो ट्रेन की आवाज है यार। नेक्स्ट वीडियो भी ना छोटे छोटे बच्चों की ही है, हमें लगा छत पर पीछे से किसी ने झांका, ऊ आवाज आने लगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम अभी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, एकदम से हम वीडियो में कुछ करने के लिए हमने ऐसा बोला, लेकिन मुझे वाकई में इस जगह से लगा कोई ऐसे उठा और नीचे हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा लगा लेकिन लगा, और इसके बाद उस साइड से ऊ की आवाज आई, पता नहीं रिकॉर्ड हुई होगी या नहीं, खैर दिमाग खटाओ। तो नेक्स्ट क्या है, एक माँ की कहानी है, वो माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती है और वो ट्विटर पे शेयर करती है कि मुझे जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और या कहीं बाहर होते हैं तब भी वो लोग मुझे स्टेयर से चढ़ते उतरते हुए दिखते हैं। अरे कौन लोग हो सकते हैं यार, तो लोगों ने उनको ये सलाह दिया कि आप अपने घर में सीसीटीवी फुटेज, मतलब कि कैमरा लगवाइए और फिर फुटेज में चेक करिए कि ये सच है या फिर आप साइकोलॉजिकल हो चुकी हैं, मेंटल हो चुकी हैं, चढ़ उतर रहा है। फिर उसे भी लगा कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो वो अपने घर में सीसीटीवी कैमराज लगा देती है हर जगह, तो और एक दिन उसमें पता है क्या कैप्चर हो जाता है,
सच में वहां से कोई उतर रहा होता है या चढ़ रहा होता है। सोचो, यानी कि वो जो देख रही थी वो सुन सच रही था। जो वो सच निकला वो सुन क्या, वो तो देख ही रही थी ना लोगों को चढ़ते उतरते हुए, बच्चों को ही, और वो सच होता है। उसके बच्चे तो स्कूल में, यहाँ कौन चढ़ रहा उतर रहा, घर तो वाकई भूतिया, डरावनी बात है ना ये, घर सच में भूतिया था, कॉन्जूरिंग वाला घर था वो, डरावना लगा। तो कमेंट में बताओ यार तुम लोगों को कोई फुटेज फेक लगी हो या असली लगी हो, किसमें सबसे ज्यादा डर लगा कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस नेक्स्ट है, कुछ यूट्यूबर जो होते हैं हॉन्टेड यूट्यूबर होते हैं, वो एक जगह को एक्सप्लोर करने जाते हैं क्योंकि वहां के लोग इतनी ज्यादा शिकायत करते हैं कि इस एरिया में हम लोगों ने दिन में भूत देखे हैं, लोग सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं, कुछ लोग लिफ्ट मांगते हैं उनको पीछे बैठा लो तो वो गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हेमंत के साथ भी हुआ था, अभी बताऊंगी, बने रहना लास्ट तक, फिर से बता देंगे, बहुत से नए जन है उन्होंने नहीं सुना होगा, है ना। तो ये लोग उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे एक गुफा टाइप की होती है, ऐसे ही बनी हुई होती है, है ना, आगे उसमें हाँ दरवाजा लगा हुआ होता है, तो ये लोग उसमें झांकते हैं तो इनको पीछे एकदम से आ जाते हैं, उनको कुछ वहां पे दिखता है क्योंकि ये लोग जिस टाइम झांक रहे थे उसी टाइम कोई वहां पे आकृति भी अजीब सी वो इन लोगों को झांक रही होती है कि कौन आ गया मेरे घर में, निकल यहाँ से, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये बड़ा क्रीपी है, बहुत क्रीपी है। सोचो तुम कहीं ऐसे करके झांक रहे हो, उधर से कोई तुमको झांक ले, कितना डर लगेगा ना। कि मैं उसे देखना चाह रहा हूँ कि काकिर है कौन, चुपके से ऊपर लग वही मुझे देख ले, मैं तो मर जाऊंगी। सो गाइस जो लोग ये बात इन मतलब ये जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये यूट्यूबर होते हैं फेक वीडियोस बनाते हैं या एडिटिंग करके सिर्फ दिखा देते हैं, भूत कुछ नहीं होते, उनके लिए ये यूट्यूबर जवाब है। यार ये बंदा लाइव करके जाता है हॉन्टेड लोकेशन पे, हेमंत ने भी ट्राई किया लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे नेटवर्क का इशू हो गया, नेटवर्क का इशू पता नहीं क्यों रहता है बार बार, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह जाते हैं सुनसान वाली जगह वहाँ पे जाते हैं, है ना, वाईफाई तो लेके चल नहीं सकते अपने साथ में, जाहिर सी बात है राउटर। तो ये बंदा होता है ये जाता है हॉन्टेड प्लेस पे लाइव करता है जाके, तो वहाँ पे पहले तो ये चीजों को इग्नोर करता है, वहाँ पे कुछ लोगों को ना मतलब कि लाइव में उसके ऑडियंस भी डरावना है, हाँ, प्लेस बहुत डरावना होता है, खंडहर टाइप का रहता है, वहाँ पे लटके हुए पैर दिखते हैं। हेलो, ada suara di ini di pintu ini teman-teman. Astagfirullah. Tar dulu, ada suara itu merinding gua. Aduh biung. Tar dulu dalam ini teman-teman. और ये देख ही नहीं पाता, इसके सब्सक्राइबर्स इसको ऑडियंस इसको बताती कि भैया हमने पैर देखे तुमने क्या किया, ये हंसी मजाक में ले गया, इसने फिर भी नहीं ध्यान दिया। फिर भाई साहब ये आगे थोड़ा बढ़ता है तो इसे कुछ लोग जाते हुए दिखते हैं, एक बच्चे जैसी आकृति दिखती है और वो एकदम से गायब हो गई। इसके बाद एक जगह और यही सेम चीज हुई तो वो डर गया और वहां से भाग गया। ये उधर कि ता लंजुत aja ya teman-teman ya. Ya Allah ya Rabbi, apa itu? Ada yang masuk dari di sini teman-teman. Ada yang masuk dari sini, selebet gitu. Ada yang masuk dari sini teman-teman, selebet gitu. लाइव रिकॉर्ड हो गया होता है ये सब, लाइव कैमरे में लाइव भूत रिकॉर्ड हुआ है, मानोगे तुम लोग? सोचो ये जवाब है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि एडिटिंग की है, मतलब एडिटिंग यार हद करते हो यार तुम लोग। कुछ लोग तो यहाँ तक कि हम लोगों को भी कह देते हैं अरे एडिटिंग क्या एडिटिंग कर देंगे, अगर हमारे पीछे कोई बैठा है पेड़ पे, यहाँ से पेड़ मतलब कि दूर है,
कोई चढ़ नहीं ऐसे सकता है, वो पूरा कवर किए हुए है, बात अलग है। कैसे किसको क्या हम कर देंगे यार, मतलब कि सोचो किसको गिरना है जाके। सही बात है, रात में पता कुछ काट आट ले, कौन डरेगा, मतलब कि किसकी इतनी हिम्मत है कि ये चढ़ के बैठेंगे या हम चढ़ के बैठेंगे या पापा को बैठा दें या मम्मी को बैठा दें, जो पेड़ पे चढ़ के बैठो जाते हैं। पेड़ पे चढ़ के बैठी और इस टाइप के पेड़ पर चढ़े हुए टाइप का कोई भूत दिखता भी तो नहीं हम लोगों के यहाँ, तो जो भी कैद हुआ वो एकदम साया ही टाइप का लगा, उसमें अगर हाथ डाल दो तो वो आर पार हो जाएगा, कुछ ऐसा धुएं की तरह। सो गाइज, आप लोग जानते हो, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग सुनते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शायद भूतों को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रूफ मिले हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भूतों से बात करते हुए दिखे, है ना, निगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, जैसे डॉग्स निगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही एक बच्चा है, उसको उसकी माँ लेके जाती है पार्क में, उसका वीडियो शूट कर रही होती है, बच्चा टहल के खेल रहा होता है और एकदम से एक प्लेस पे जाके वो रुक जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कहा रुको, तो वो ऐसे जाके रुक जाता है। और फिर लेकिन ये थोड़ा आश्चर्य की बात है एकदम, हाँ, ये चीज उसने सुनी। और इसके बाद वो थोड़ी देर उसको सामने देखता है और फिर ऐसा लगा कि किसी ने, उसने क्या किया, बच्चा थोड़ा सा दो कदम आगे बढ़ा और पत्तों ही खोदने लगा, वहीं पे पार्क में पत्ते होते हैं ना, और उसके अंदर से फोन निकाल लिया उसने। सोचो बच्चे को एग्जैक्ट प्लेस कैसे पता चली कि इस जगह पे फोन है, मिट्टी में पत्तों के नीचे छुपा हुआ। तो ये चीज क्रीपी है, अगर ये चीज सच है तो हाँ ये बहुत क्रीपी है कि कैसे बच्चे ने ऐसे फोन निकाल लिया और उसकी माँ ने फिर वीडियो शेयर किया, तो अलग अलग यूजर्स के अलग अलग कमेंट आए। आपको क्या लगता है, ये वीडियो सच है या फेक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई हॉन्टेड स्टोरी है जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो भाई देर किस बात की है, शेयर कर लो। और भी कोई स्टोरी, व्हाट एवर यू हैव, लव स्टोरी, सैड स्टोरी, जो भी तुम्हारी लाइफ का किस्सा है वो भी शेयर कर देना, हम लोग जरूर आप लोगों से शेयर करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी रियल वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आती है जो कि फ्लाइंग मंडे है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना फ्लाइंग मंडे और हेमंत फ्लाई से, हम लोग वहां भी मौजूद है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।